हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विद अभय। में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। बच्चों, हमारी आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 की जो अतीत थर्ड है उसको स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि इतिहास की क्लास 8 की बुक है। आज की इस वीडियो में हम पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, प्रारंभिक कथन कैसे, कब और कहाँ। इसके पहले हमने अतीत 1 और अतीत 2 जो है पढ़ा दिया है। जिन लोगों को अगर क्लास 6 की और क्लास 7 की हिस्ट्री पढ़ना हो तो वो चैनल पे पढ़ सकते हैं। तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। एक वक्त था जब इतिहासकार तारीखों के जादू में ही खोए रहते थे। कब किस राजा की ताजपोशी हुई, कब कौन सा युद्ध हुआ, इन्हीं तारीखों पर गर्मा गर्म बहसें चलती थीं। आम समझ के हिसाब से इतिहास को तारीखों का पर्याय माना जाता था। आपने भी लोगों को यह कहते हुए सुना होगा, इतिहास तो बहुत उबाऊ है भाई, बस तारीखें रटते चले जाओ। क्या इतिहास के बारे में यह जो धारणा दी गई है वो सही है? इसमें कोई शक नहीं कि इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलावों के बारे में ही होता है। इसका संबंध इस बात से है कि अतीत में चीजें किस तरह की थीं और उनमें क्या बदलाव आए हैं। जैसे ही हम अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं, हम समय का जिक्र करने लगते हैं, हम पहले और बाद में की बात करने लगते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में हम अपने आसपास की चीजों पर हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते हैं। हम चीजों को स्वाभाविक मानकर चलते हैं, मानो जो कुछ हमें दिख रहा है वह हमेशा ऐसा ही रहा हो। लेकिन हम सब के सामने कभी कभी अचंभे के क्षण आते हैं। कई बार हम उत्सुक हो जाते हैं और ऐसे सवाल पूछते हैं जो कि वाकई ऐतिहासिक होते हैं। किसी व्यक्ति को सड़क के किनारे चाय की घूंट भरते देखकर आप इस बात पर हैरान हो सकते हैं कि चाय या कॉफी पीने का चलन शुरू कब से हुआ होगा। रेलगाड़ी की खिड़की से बाहर झांकते हुए आपके जहन में यह सवाल उठ सकता है कि रेलवे का निर्माण कब हुआ। रेलगाड़ी के आने से पहले लोग दूर दूर की यात्रा किस तरह से कर पाते थे। सुबह सुबह अखबार पढ़ते हुए आप यह जानने के लिए उत्सुक हो सकते हैं कि जमाने में अखबार नहीं छपते हैं, उस समय लोगों को चीजों की जानकारी कैसे मिलती थी। बच्चे ये चित्र देखिए, चित्र 1, ब्राह्मण ब्रिटेनिया को शास्त्र भेंट कर रहे हैं। जेम्स रेनेल द्वारा तैयार किए गए पहले नक्शे का आवरण चित्र 1782, रॉबर्ट क्लाइव ने रेनेल को हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा था। भारत पर अंग्रेजों की विजय के समर्थक रेनेल को वर्चस्व स्थापित करने की प्रक्रिया में नक्शे तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण लगता था। इस तस्वीर में दिखाया गया है कि भारत के लोग स्वेच्छापूर्वक अपने प्राचीन पवित्र ग्रंथ ब्रिटिश सत्ता की प्रतीक ब्रिटेनिया को सौंप रहे हैं, मानो वे उस भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए आने का आग्रह कर रहे हों। ये सारे ऐतिहासिक सवाल हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित कर देते हैं। समय को हमेशा साल या महीनों के पैमाने पर ही नहीं देखा जा सकता। कई बार ऐसी प्रक्रियाओं के लिए कोई तारीख तय करना वाकई गलत होता है, जो एक लंबे समय तक चलती रहती है। भारत में लोगों ने अचानक एक दिन सुबह सवेरे चाय पीना शुरू नहीं कर दिया था। ऊपर जो अभी क्वेश्चन पूछे गए थे कि चाय पीना कब शुरू हुआ, अखबार पढ़ना लोग कैसे कब से चालू किए हैं, पहले के लोग अखबार नहीं पढ़ते थे तो क्या करते थे जानकारी के लिए,
तो ये सारे ऐतिहासिक सवाल हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित कर देते हैं। समय को हमेशा साल या महीनों के पैमाने पर ही नहीं देखा जा सकता। कई बार ऐसी प्रक्रियाओं के लिए कोई तारीख तय करना वाकई गलत होता है, जो एक लंबे समय तक चलती रहती है। भारत में लोगों ने अचानक ही एक दिन सुबह सवेरे चाय पीना शुरू नहीं कर दिया था। इसका स्वाद धीरे धीरे ही उनका जबान पर चढ़ता था। इसका स्वाद धीरे धीरे ही उनकी जबान पर चढ़ा था। इस तरह की प्रक्रियाओं के लिए कोई अस्पष्ट तिथि नहीं हो सकती। इसी तरह हम ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए भी कोई एक तिथि नहीं बता सकते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन शुरू हुआ या अर्थव्यवस्था या समाज में किस दिन बदलाव आए, यह बताना भी संभव नहीं है। ये सारी चीज़ें एक लंबे समय में घटती हैं। ऐसे में हम सिर्फ एक अवधि की ही बात कर सकते हैं, एक लगभग सही अवधि के बारे में बता सकते हैं जब वे खास बदलाव दिखाई देने शुरू हुए होंगे। तो फिर लोग इतिहास को तारीखों से जोड़कर क्यों देखते हैं? इस जुड़ाव की वजह एक वजह है। तो फिर लोग इतिहास को तारीखों से जोड़कर क्यों देखते हैं? इस जुड़ाव की एक वजह है। एक समय था जब युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यौरों को ही इतिहास माना जाता था। यह इतिहास राजा महाराजाओं और उनकी नीतियों के बारे में होता था। इतिहासकार यह लिखते थे कि कौन से साल राजा को ताज पहनाया गया, किस साल उसका विवाह हुआ, किस साल उसके घर में बच्चा पैदा हुआ, कौन से साल उसने कौन सी लड़ाई लड़ी, वह कब मरा और उसके बाद कब कौन शासक गद्दी पर बैठा। इस तरह की घटनाओं के लिए निश्चित तिथि बताई जा सकती है और इस तरह के इतिहासों में तिथियों का महत्व बना रहता है। जैसा कि पिछले 2 साल के इतिहास की किताबों में आपने देखा है, अब इतिहासकार बहुत सारे दूसरे मुद्दों और दूसरे सवालों के बारे में भी लिखने लगे हैं। वे इस बात पर ध्यान देते हैं कि लोग किस तरह अपनी रोजी रोटी चलाते थे, वे क्या पैदा करते थे और क्या खाते थे, शहर कैसे बने और बाजार किस तरह फैले, किस तरह रियासतें बनी, नए विचार पनपे और संस्कृति व समाज किस तरह बदले। इस चित्र को देखिए बच्चों, ये है चित्र 2। चित्र 2, विज्ञापनों से भी पसंद नापसंद तय होती हैं। पुराने विज्ञापनों से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि नए उत्पादों के लिए बाजार किस तरह तैयार हुआ और किस तरह नई रुचियां चलन में आईं। 1922 में लिप्टन चाय के लिए तैयार किया गया यह विज्ञापन इस बात की ओर संकेत करता है कि दुनिया भर के शाही लोग यही चाय पीते हैं। इस तस्वीर में पीछे की तरफ एक भारतीय महल दिखाई दे रहा है, जबकि अगले हिस्से में ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया का तीसरा बेटा राजकुमार आर्थर घोड़े पे बैठा हुआ है। राजकुमार आर्थर को एक ड्यूक ऑफ कर्नाट की पदवी दी गई थी। कौन सी तारीखें? कुछ तारीखों को महत्वपूर्ण मानने का पैमाना क्या होता है? हम जो तारीखें चुनते हैं, जिन तारीखों के इर्द गिर्द हम अतीत की कहानी सुनते हैं, वे अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती। वे इसलिए महत्वपूर्ण जाती हैं क्योंकि हम कुछ खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मानकर चलने लगते हैं। अगर अध्ययन का विषय बदल जाता है, अगर हम नए मुद्दों पर ध्यान देने लगते हैं, तो महत्वपूर्ण तारीखें भी बदल जाती हैं। एक उदाहरण पर विचार कीजिए। भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखे, उनमें हर एक गवर्नर जनरल का शासनकाल महत्वपूर्ण है। ये इतिहास प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के शासन से शुरू होते हैं और आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के साथ खत्म होते थे। अलग अलग अध्यायों में हम दूसरे गवर्नर जनरलों हेस्टिंग्स, वेलेजली, बेंटिंक, डलहौजी,
कैनिंग, लॉरेंस, लीटन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग, इरविन के बारे में भी पढ़ते हैं। इस इतिहास में गवर्नर जनरलों और वायसरायों को भी कभी नहीं खत्म होने वाली सिलसिला की छाया रहता था। इतिहास की इन किताबों में सारी तारीखों का महत्व इन अधिकारियों, उन गतिविधियों, नीतियों, उपलब्धियों के आधार पर ही तय होता था। यह ऐसा था मानो इन लोगों के जीवन के बाहर कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे जानना महत्वपूर्ण हो। इन लोगों के जीवन का क्रम ब्रिटिश भारत के इतिहास में अलग-अलग अध्यायों का विषय बन जाता था। क्या हम इसी दौर के इतिहास को अलग ढंग से नहीं लिख सकते हैं? गवर्नर जनरलों के इस इतिहास के चौखट में हम भारतीय समाज के विभिन्न समूहों और वर्गों की गतिविधियों पर किस तरह ध्यान दे सकते हैं? जब हम इतिहास या कोई कहानी लिखते हैं तो उसे टुकड़ों या अध्यायों में बांट देते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हर अध्याय में कुछ सामंजस्य रहे। इसका मकसद कहानी को इस तरह सामने लाना होता है कि उसे आसानी से समझा जा सके और याद रखा जा सके। इस प्रक्रिया में हम सिर्फ उन घटनाओं पर जोर देते हैं जो उस कहानी को पेश करने में मददगार होती हैं। इतिहास गवर्नर जनरलों के जीवन के इर्द गिर्द चलता है, उसमें भारतीयों की गतिविधियों को कोई मायने नहीं रखती। उनके लिए वहाँ कोई जगह नहीं होती, तो फिर क्या किया जाए? जाहिर है, हमें अपने इतिहास का एक अलग खाका बनाना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि अब तक जिन तिथियों को महत्व दिया जा रहा था वे महत्वपूर्ण नहीं रहेंगी। हमारे लिए नई तिथियां महत्वपूर्ण हो जाएंगी। बच्चों इनको देखिए, हेस्टिंग्स 1773 में पहले गवर्नर जनरल बने थे। इतिहास की किताबों में गवर्नर जनरलों के कारनामों, जीवनियों में उनकी गौरव गाथाओं और तस्वीरों में उनके भव्य व्यक्तित्व को उभारा जाता था। हम अवधियां कैसे तय करते हैं? 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल के 3 विशाल खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक एक किताब लिखी। कौन लिखा बच्चों? स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री जेम्स मिल ने। इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन 3 कालखंडों में बांटा था। कालखंडों के इस निर्धारण को ज्यादातर लोगों ने मान भी लिया। क्या आपको भारतीय इतिहास को समझने की इस तरीके में कोई समस्या दिखाई देती है? इतिहास को हम अलग-अलग कालखंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं? इसकी भी एक वजह है। हम एक दौर की खासियतों, उसके केंद्रीय तत्वों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। इसलिए ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिनके सहारे हम समय को बांटते हैं। ये शब्द अतीत के बारे में हमारे विचारों को दर्शाते हैं। वे हमें बताते हैं कि एक अवधि से दूसरी अवधि के बीच आए बदलावों को क्या महत्व होता था। मील को लगता था कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे हैं। इतिहास की उनकी समझदारी ये थी कि भारत में अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ हिंदू और मुसलमान तानाशाहों का ही राज चलता था। यहाँ चारों ओर केवल धार्मिक बैर, जातिगत बंधनों और अंधविश्वासों का ही बोलबाला था। मील की राय में ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता था। इस काम के लिए जरूरी था कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्थानों और कानूनों को लागू किया जाए। मील ने तो यह सुझाव दिया था कि अंग्रेजों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। उनका मानना था कि अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता। इतिहास की इस धारणा में अंग्रेजी शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था। अंग्रेजी शासन से पहले सारा अंधकार का दौर था। क्या इस तरह की धारणा को स्वीकार किया जा सकता है? क्या इतिहास के किसी दौर को हिंदू या मुसलमान दौर कहा जा सकता है? क्या इन सारे दौरों में कई तरह के धर्म एक साथ नहीं चलते थे? किसी युग को केवल उस समय के शासकों के धर्म के हिसाब से तय करने की जरूरत क्या है?
अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब यह कहना चाहते हैं कि औरों के जीवन और तौर तरीकों का कोई महत्व नहीं होता। हमें याद रखना चाहिए कि प्राचीन भारत में सारे शासकों का भी एक धर्म नहीं होता था। अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से अलग हटकर इतिहासकार भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक काल में बांट कर देखते हैं। इस विभाजन की भी अपनी समस्याएं हैं। इतिहास को इन खंडों में बांटने की यह समझ भी पश्चिम से आई है। पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञानतर, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों का विकास युग माना जाता है। उनके लिए मध्यकालीन समाज वे समाज थे जहाँ आधुनिक समाज की ये विशेषताएं नहीं थीं। क्या हम अपने अध्ययन के लिए आधुनिक काल की इस अवधारणा को बिना सोचे विचारे ऐसे ही अपना सकते हैं? जैसा कि आप इस किताब में देखेंगे, अंग्रेजों के शासन में लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता या मुक्ति नहीं थी। नहीं, यह आर्थिक विकास और प्रगति का दौर था। बहुत सारे इतिहासकार इस युग को औपनिवेशिक युग कहते हैं। अभी बच्चों, औपनिवेशिक युग क्या है, इसके बारे में देखते हैं। इस किताब में आप पढ़ेंगे कि किस तरह अंग्रेजों ने हमारे देश को जीता और स्थानीय नवाबों और राजाओं को दरबार दबाकर अपना शासन साबित किया। आप देखेंगे कि किस तरह उन्होंने अर्थव्यवस्था व समाज पर नियंत्रण स्थापित किया, अपने सारे खर्चों को निपटाने के लिए राजस्व वसूल किया, अपनी जरूरत की चीजों को सस्ती कीमत पर खरीदा, निर्यात के लिए महत्वपूर्ण फसलों की खेती कराई, और इन सारी कोशिशों के कारण क्या बदलाव आए? जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशिक करण कहा जाता है। लेकिन जल्दी ही आप यह समझ जाएंगे कि सारे वर्ग और समूह इन बदलावों को एक ही ढंग से अनुभव नहीं कर रहे थे। इसलिए इस किताब को हमारे अतीत यानी कई अतीतों पर केंद्रित नाम दिया गया है। गृह विभाग को भेजी गई रिपोर्ट। सन 1946 में भारत की औपनिवेशिक सरकार शाही भारतीय नौसेना के जहाजों में सिपाहियों की बगावत को कुचलने का प्रयास कर रही थी। उस समय विभिन्न बंदरगाहों से गृह विभाग को जो रिपोर्ट मिल रही थी, उनके कुछ नमूने इस प्रकार हैं। बम्बई, इस बात का इंतजाम कर लिया गया है कि सेना जहाजों और दफ्तरों पर कब्जा कर लें। शाही नौसैनिक जहाज अभी बंदरगाह से बाहर ही हैं। कराची, 301 विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ अन्य संदेहास्पद विद्रोही भी गिरफ्तार किए गए हैं। सारे दफ्तर सैनिक निगरानी में हैं। विशाखापट्टनम, स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और कहीं हिंसा नहीं हुई है। जहाजों और प्रतिष्ठानों पर सैनिक गार्ड तैनात कर दिए गए हैं। किसी परेशानी की उम्मीद नहीं है, सिवाय इसके कि संभव है कुछ सिपाही काम पर न आए। तो ये थी गृह विभाग को भेजी गई रिपोर्ट का एक ब्यौरा था। हम किस तरह जानते हैं? भारतीय इतिहास के पिछले 250 साल का इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार कौन से स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं? प्रशासन अभिलेख तैयार करता है। अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन होते हैं। अंग्रेजों की मान्यता थी कि चीजों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। उनके लिए हर निर्देश, हर योजना, नीतिगत फैसले, सहमति, जांच को साफ साफ लिखना जरूरी था। ऐसा करने के बाद चीजों का अच्छी तरह अध्ययन किया जा सकता था और उन पर वाद विवाद किया जा सकता है। इस समझदारी के चलते ज्ञापन, टिप्पणी और प्रतिवेदन पर आधारित शासन की संस्कृति पैदा हुई।
अंग्रेजों को यह भी लगता था कि तमाम अहम दस्तावेजों और पत्रों को संभाल कर रखना जरूरी है, लिहाजा उन्होंने सभी शासकीय संस्थानों में अभिलेख कक्ष भी बनवा दिए। तहसील के दफ्तर, कलेक्टोरेट, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी, सबके अपने रिकॉर्ड रूम होते थे। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचा कर रखने के लिए अभिलेखागार, आर्काइव और संग्रहालय जैसे संस्थान भी बनाए गए हैं। 19वीं सदी के शुरुआत में प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा के पास भेजे गए पत्रों और ज्ञापनों को आप आज भी अभिलेखागारों में देख सकते हैं। वहां आप जिला अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए नोट्स और रिपोर्ट पढ़ सकते हैं या ऊपर बैठे अफसरों द्वारा प्रांतीय अधिकारियों को भेजे गए निर्देश और सुझाव दे सकते हैं। 19वीं सदी के शुरुआती सालों में इन दस्तावेज की सावधानी पूर्वक नकलें बनाई जाती थीं। चित्रफोर, बच्चों ये चित्रफोर है, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार 1920 के दशक में बनाया गया था। यह जब नई दिल्ली का निर्माण हुआ तो राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार दोनों ही वायसराय के निवास के नजदीक बनाए गए थे। इससे पता चलता है कि अंग्रेजों की सोच इन संस्थानों का कितना भारी महत्व था। उन्हें खुशनवीसी के माहिर लिखते थे। खुशनवीसी या सुलेखनवीस ऐसे लोग होते हैं जो बहुत सुंदर ढंग से चीजें लिखते हैं। 19वीं सदी के मध्य तक छपाई तकनीक भी फैलने लगी थी। इस तकनीक के सहारे अब प्रत्येक सरकारी विभाग की कार्रवाइयों के दस्तावेज कई कई प्रतियां बनाई जाने लगी। सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व, औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का चलन भी महत्वपूर्ण होता गया। अंग्रेजों का विश्वास था कि किसी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उसको सही ढंग से जानना भी जरूरी होता है। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे। गांव में राजस्व सर्वेक्षण किए गए। इन सर्वेक्षणों में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, वहां मिलने वाले पेड़ पौधों और जीव जंतुओं तथा स्थानीय इतिहास व फसलों का पता लगाया जाता था। अंग्रेजों की राय में किसी इलाके का शासन चलाने के लिए इन सारी बातों को जानना जरूरी था। 19वीं सदी के आखिर में इस हर 10 साल में जनगणना भी की जाने लगी। जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, इलाके और व्यवसाय के बारे में जानकारी इकट्ठा की जाती थी। इसके अलावा वानस्पतिक सर्वेक्षण, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरातात्विक सर्वेक्षण, मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण आदि कई दूसरे सर्वेक्षण भी किए जाते थे। ये देखिए बच्चों, ये शरीफे का पौधा है 1770 के दशक का। अंग्रेजों द्वारा बनाए गए वानस्पतिक उद्यान और प्राकृतिक के इतिहास के संग्रहालयों में विभिन्न पौधों के नमूने और उनसे संबंधित जानकारियां इकट्ठा की जाती थी। इन नमूनों के चित्र स्थानीय कलाकारों से बनवाए जाते थे। अब इतिहासकार इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि इस तरह की जानकारी किस तरह इकट्ठा की जाती थी और इससे उपनिवेशवाद के बारे में क्या पता चलता है। अधिकृत रिकॉर्ड्स से क्या पता नहीं चलता? रिकॉर्ड्स के इस विशाल भंडार से हम बहुत कुछ पता लगा सकते हैं, फिर भी इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि ये सारे सरकारी रिकॉर्ड हैं। इस चित्र को देखिए बच्चों, चित्र नंबर 6 को। बंगाल में मानचित्र और सर्वेक्षण कार्य चल रहा है। ये बंगाल का सर्वेक्षण कार्य चलने टाइम का वो मानचित्र है। जेम्स प्रिंसेप द्वारा बनाई गई तस्वीरें 1832। ध्यान से देखें कि सर्वेक्षण में इस्तेमाल होने वाले सारे उपकरणों को चित्र के अगले हिस्से में दिखाया गया है। चित्रकारी इस परियोजना के वैज्ञानिक स्वरूप पर खास तौर पर से जोर देना चाहता है। अच्छा, ये चित्र देखिए, चित्र नंबर 7, 1857 के विद्रोहियों का ये दृश्य दिखाया गया है। तस्वीरों को भी बहुत ध्यान से देखना चाहिए, उनसे हमें चित्रकार की सोच पता चलती है। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा तैयार की गई सब चित्र पुस्तकों में यह तस्वीर
कई जगह दिखाई देती है। इस तस्वीर के नीचे लिखा होता था, बागी सिपाही लूट खसोट में लगे हुए। अंग्रेजों की नजर में विद्रोही जनता लालची, दुष्ट और बेरहम थी। इस विद्रोही के बारे में आप अध्याय 5 में पढ़ेंगे। इंसानों के खाने लायक नहीं है। अखबारों से देश के विभिन्न विभागों में चल रहे आंदोलनों का पता चलता है। यहाँ 1946 में हुई पुलिस की एक हड़ताल की खबर दी गई। दिल्ली में 2000 से ज्यादा पुलिस वालों ने बृहस्पतिवार सवेरे अपने कम वेतन और पुलिस लाइन बावर्ची खाने से आने वाली घटिया भोजन के खिलाफ खाना खाने से इनकार कर दिया। जैसे जैसे यह खबर दूसरे पुलिस थानों तक पहुंची, वहां भी पुलिस वालों ने खाना खाने से इनकार कर दिया। वाली का कहना था कि पुलिस लाइंस की रसोई से हमारे लिए जो खाना आता है वह कोई इंसान नहीं खा सकता। हमें जो चपाती और दाल खानी पड़ती है उसे जानवर तक नहीं खा सकते। तो ये हिंदुस्तान टाइम्स का 22 मार्च 1946 की रिपोर्ट है। इनसे हमें यही पता चलता है कि सरकारी अफसर क्या सोचते थे, उनकी दिलचस्पी किन चीज़ों में थी और बाद के लिए वे किन चीज़ों को बचाए रखना चाहते थे। इन रिकॉर्ड से हमें समझने में हमेशा मदद नहीं मिलती कि देश के दूसरे लोग क्या महसूस करते थे और उनकी कार्यवाहियों की क्या वजह थी। इन बातों को जानने के लिए हमें कहीं और देखना होगा। जब हम ऐसे दूसरे स्रोतों की तलाश में निकलते हैं तो उनकी भी कोई कमी नहीं रहती, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड के मुकाबले उन्हें ढूंढना जरा मुश्किल साबित होता है। इस लिहाज से लोगों की डायरियां, तीर्थ यात्राओं और यात्रियों के संस्मरण, महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथाएं और स्थानीय बाजारों में बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तिकाएं महत्वपूर्ण हो जाती हैं। जैसे जैसे छपाई की तकनीक फैली, अखबार छपने लगे और विभिन्न मुद्दों पर जनता में बहस भी होने लगी। नेताओं और सुधारकों ने अपने विचारों को फैलाने के लिए लिखा, कवियों और उपन्यासकारों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लिखा, लेकिन ये सारे स्रोत उन लोगों ने रचे हैं जो पढ़ना लिखना जानते थे। इनमें से हम यह पता नहीं लगा सकते कि आदिवासी और किसान, खदानों में काम करने वाले मजदूर या सड़कों पर जिंदगी गुजारने वाले गरीब किस तरह के अनुभव से गुजर रहे थे। अगर हम थोड़ी और कोशिश करें तो हम इस बारे में भी जान सकते हैं। जैसे जैसे आप इस किताब में आगे बढ़ेंगे आपको यह बात समझ में आने लगेगी। तो बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। आगे की जानकारी हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।